दोस्तों एक व्यक्ति रहता है जो ट्रेन के अंदर चाय पकौड़े बेचता है और उसकी शादी है वह हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों पति और पत्नी बड़े ही खुश रहते हैं, यानी दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा प्यार था। और कहते हैं ना कि दोस्तों प्यार भी इतना ज़्यादा गहरा था कि दोनों एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों ज़्यादा प्यार भी हैरान कर जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके यानी हजम हो सके उतना ही प्यार देना चाहिए, यानी हजम नहीं हो और उससे ज़्यादा प्यार हो जाए तो वह भी परेशान कर जाता है कभी कभी। और ऐसा ही उन पति और पत्नी के साथ हुआ जिसे बहुत ही ज़्यादा प्यार था दोनों में, और दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि दोनों को हजम नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों के अंदर एक दूसरे के अंदर शक पैदा हो गया। और शक एक ऐसी बीमारी है जो एक भर पैदा हो जाए तो वो निकलने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों शक उसी इंसान के दिमाग में ऐसा घर कर गया कि वह अपनी पत्नी से तलाक तक हो गया, और तलाक होने के बाद पत्नी है वह मायके चली जाती है और मायके जाकर के वह तैयारी में जुट जाती है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी औरत थी इसलिए वह पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद वह SDM बन जाती है। और SDM बनने के बाद वह अपने पति से ट्रेन में मुलाकात होती है, तो क्या होता है ये चौंकने वाली बात है। दरअसल दोस्तों कहानी को पूरा सुनना और पूरा सुनने के बाद बताना कि आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप पूरा सुनोगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और एक अच्छी कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। तो कहानी को पूरा सुने, और वही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने भाई को सपोर्ट करना ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही नई नई वीडियोज सुनाता रहूं, ऐसी कहानियां सुनाता रहूं। तो दोस्तों दरअसल ये कहानी है, यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक कहते ना कि एक मिडिल क्लास की फैमिली रहती थी, और एक लड़का रहता है जिसका नाम जयंत रहता है, और जयंत है वह चाय पकौड़े की दुकान थी उसके पापा की, तो वह वहाँ काम करता है, और उसकी शादी है वह एक लड़की से हो जाती है। जो लड़की पढ़ी हुई थी यानी पढ़ी लिखी थी, MA BEd की हुई थी, और वह तैयारी करती है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद दोनों में अच्छा प्रेम था, अच्छा प्यार था, और दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यार था कि वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। उन दोनों के अंदर इतना ज़्यादा प्यार था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार उतना ही करना चाहिए जितना हजम हो सके, और उन दोनों के अंदर इतना प्यार हो गया कि दोनों को हजम नहीं हुआ। जयंत था वह चाय पकौड़े की दुकान पर अपने पापा का हाथ बटाने चला जाता था, तो जो जिस लड़की का नाम था वह उसका नाम सुप्रिया था, और सुप्रिया थी वह काम में लगी रहती थी। काम करने के बाद वह कुछ फ्री टाइम होता था तो वह अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों के साथ बातें करती थी, और बात है वह कुछ ज़्यादा ऐसे अलग बातें नहीं करती थी, वह सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई की बातें करती थी, और क्योंकि वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी इसलिए अपनी दोस्तों के साथ वह पढ़ाई की ही डिस्कस करती थी कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि वह ऑनलाइन कोचिंग यानी ऑनलाइन कोचिंग की क्लासें लेती थी, और वह अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। लेकिन जब भी जयंत उसे फ़ोन करता था तो उसका फ़ोन बिजी बताता था, और बिजी बताता था तो जयंत को शक होने लग गया था कि उसकी बीबी है वह किसी से बात करती है, और वह घर आकर के उसे कहता था कि आप किससे बातें करती हो, तो वह बता देती है कि मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, उसके साथ ही पढ़ाई के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रही थी, बाकी मैं किसी के साथ कोई बातें नहीं करती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, और ऐसी बातें वह कहती है। तो जयंत है वह इस बात को मानता नहीं है, सुप्रिया उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि जयंत मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं ओनली फॉर आप ही से प्यार करती हूँ, मैं आप ही की हूँ, मैं किसी दूसरे लड़के के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है, मैं आप ही से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जयंत है वह नहीं मानता है, क्योंकि दोस्तों पता है आप लोगों को कि दिमाग में जब शक का कीड़ा पैदा हो जाता है तो इंसान किसी की नहीं सुनता है, और वही कीड़ा जो शक का कीड़ा था वह पैदा हो गया था जयंत के दिमाग में, तो वह उस पर बार बार शक करता था,
और फिर वह उस शख्स से तंग आ चुकी थी। सुपीरिया तंग आकर के उस सुपीरिया ने अपने पापा से फोन किया और फोन कर करके अपने पापा से बात करती है कि पापा मैं इस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि इस घर में अब मेरे लायक कोई माहौल नहीं बचा है। जयंत है वह मुझे हर बात पर डांटता है, मेरे ऊपर हर बात पर शक करता है, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहती अब। लेकिन जो सुप्रिया का पापा था वह उसे समझाता है, बुझाता है कि बेटा ऐसा हो जाता है, थोड़े दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुप्रिया है वह कहती है कि पापा कितने दिन सब्र करूं, सब्र है वह सर के ऊपर से निकलने लगा है, इसलिए मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं यहाँ से तलाक दे करके आपके पास आ रही हूँ। तो सुप्रिया ऐसी बात बोलती है लेकिन सुप्रिया का पिता उसे समझाता है कि बेटा मैं बात करूंगा जैन से और जैन से बात करने के बाद आपसे बोल दूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सुप्रिया का पापा है वह जैन से बात करता है और बात कर करके वह कहता है कि जयंती आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है और अच्छे घराने की लड़की है, वह तो एक साक्षात लक्ष्मी का रूप है, आप उस पर क्यों शक कर रहे हो। और वाक्य में दोस्तों जो सुप्रिया थी वह वाक्य में एक लक्ष्मी का रूप थी, एक अच्छी लड़की थी, उसका जो चाल चलन था वो बहुत ही अच्छा था, ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है और ऐसी ही लड़की थी वो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि शक है वह एक अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देता है और वही काम सुप्रिया के साथ हुआ था। सुप्रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसका चाल चलन था बहुत अच्छा था और अच्छी घराने की लड़की थी, उसके माँ बाप थे उन्होंने अच्छे संस्कार दिए थे और वह जयंत के अलावा किसी लड़के से बात नहीं करती थी, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। लेकिन जयंत के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया था, इसलिए वह उस पर शक करने लग गया था और उस शक से तंग आकर के सुप्रिया ने ऐसी कदम उठाने की कोशिश की और वह अपने पापा से बात की। और फिर जयंत से जब सुप्रिया के पापा बात करते हैं तो जयंत घर आकर के सुप्रिया के दो चार थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मार के कहता है कि आपने अपने पापा से क्या कहा, आपने अपने पापा से क्यों बात की, ऐसी बातें कर करके उसके साथ दो चार थप्पड़ लगा देता है और थप्पड़ लगाने के बाद उस पर इतना आग बबूला हो जाता है। लेकिन यह चीज जो सुप्रिया थी वह सहन नहीं कर पाती है और अपना कपड़े वगैरह पैक कर करके वह अपने मायके चली जाती है और मायके जा करके वहां रहने लग जाती है और उसे कह करके चली जाती है कि मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊंगी, आप अकेले ही रहना, मैं आपके पास जिंदगी भर कभी नहीं आऊंगी, आप अपनी दुनिया में मस्त रहना और मैं अपनी दुनिया में मस्त रहूंगी, ऐसा कह करके वह अपने मायके चली जाती है और मायके जा करके रहने लग जाती है। उसके बाद उसके पापा थे वह भी तंग आकर के सुप्रिया से यही कहते हैं कि बेटा आपने बहुत ही सही किया क्योंकि जब समय रहते हुए ऐसा फैसला हो जाता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है और सुप्रिया ने समय रहते हुए ही यह फैसला ले लिया था क्योंकि वह एक अच्छी लड़की थी, नेक घराने की लड़की थी और उसका जो चाल चलन था बहुत ही अच्छा था, वो लड़की काफी अच्छी थी। लेकिन फिर भी उसके ऊपर शक किया जा रहा था तो लड़की है वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बर्दाश्त नहीं करने के बाद वह ऐसा फैसला ले लेती है और अपनी मायके जाकर के रहने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों वह पढ़ाई की, क्योंकि वह पढ़ाई में तो बहुत ही ज्यादा अव्वल थी इसलिए वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करते करते वह चार पांच साल गुजर जाते हैं, काफी एग्जाम देती है वो लेकिन फेल हो जाती है। फिर एक दिन अचानक उसके घर एक लेटर आता है और लेटर आता है वो एक बड़ी खुशी का लेटर था। जब सुप्रिया उसे खोल करके देखती है तो वह ज्वाइनिंग लेटर था, यानी कि उस वह SDM बन चुकी थी, SDM बनने का उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और वह जब ज्वाइनिंग लेटर देखती है तो सुप्रिया इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जब बेटी का ज्वाइनिंग लेटर आए तो कौन खुश नहीं होता। दोस्तों वह SDM बन जाती है और उसके बाद वह ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए वह दिल्ली जा रही थी और दिल्ली में ट्रेन में जब वह सफर कर रही थी उस समय उसकी मुलाकात जयंत से हो जाती है। जयंत है वह ट्रेन के अंदर चाय पकौड़े बेच रहा था तो जयंत आगे निकल जाता है, जैसे ही लोगों को देता हुआ आगे निकल जाता है तो वह लड़की थी सुप्रिया वह उसे आवाज देती है कि भैया मुझे भी चाय पकौड़े दीजिए। जैसे ही जयंत वापस आता है उसको चाय पकौड़े देता है, वह उस लड़की को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वह कहते हैं ना कि मुंह पर अपना दुपट्टा बांध रखा था इसलिए वह उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन सुप्रिया है वह जयंत को पहचान जाती है और वह सोचती है मन ही मन कि आज जयंत है चाय पकौड़े कैसे बेच रहा है, इसके पापा कहाँ चले गए, ऐसे उसके मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन वह उसका पीछा करती है
जयंत है वह एक बोगी से दूसरी बोगी में चला जाता है, क्योंकि वह तो चाय पकौड़े बेच रहा था इसलिए वह एक बोगी से दूसरी बोगी में जाता है, उसके बाद तीसरी बोगी में चला जाता है। लेकिन सुप्रिया उसका पीछा करती है। जयंत है वह मन में सोचता है कि यह लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या कारण है, कैसी लड़की है ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। उसके बाद है जो सुप्रिया थी वह उसे कहती है, हाथ पकड़ करके कहती है कि जयंत आप मुझे पहचानते हो क्या, आपके पापा कहाँ गए, जो चाय पकौड़े आपके पापा बेचा करते थे आज आप चाय पकौड़े क्यों बेच रहे हो। तो वह सोचता है, मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को क्या पता कि मेरे पापा चाय पकौड़े बेचते थे और मेरे पापा का ये नाम था, वह सब कुछ बता देती है। तो जयंत हैरान रह जाता है। उसके बाद वह अपना दुपट्टा खोलती है और जैसे ही दुपट्टा खोलती है जयंत हैरान रह जाता है, चौंक जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और जो हाथ में चाय की केतली थी उसकी वह ट्रेन के अंदर गिर जाती है और वह कहते हैं ना कि एक शोक लग जाता है उसे और वह उसे देख करके एकदम से हैरान रह जाता है और उसे इतना बड़ा शोक लग जाता है कि वह देख भी नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता है, उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पाती है। तब सुप्रिया उसे कहती है कि जयंत ऐसे घबराओ मत, ऐसे शोक में मत आओ क्योंकि मैं वही सुप्रिया हूँ और मेरी जॉइनिंग आई है, मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन आज आप ही चाय पकौड़े बेच रहे हो, आपके पापा कहाँ चले गए, ऐसे सवाल करती है और उसके बाद ट्रेन से नीचे उतर जाती है और नीचे उतरने के बाद जयंत से पूरे सवाल खड़े करती है। तो जयंत कहता है कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो घर में जो घर चलाने के लिए इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो घर चलाने के लिए मैं और मेरी बूढ़ी माँ है वह चाय पकौड़े की दुकान ही वापस मेरे पापा की जो दुकान थी वह चलाने लग गई, माँ है वह चाय पकौड़े बनाती है और मैं ट्रेन के अंदर चाय पकौड़े बेच देता हूँ। तो वह कहती है कि अपनी आपकी माँ कहाँ है, मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। वह जयंत है अपनी माँ के पास ले जाता है और ले जा करके अपनी माँ से मिलवाता है। तो सुप्रिया थी वह जयंत की माँ से मिलती है, तो जयंत की माँ है वह हैरान रह जाती है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि पूरे 7 साल बाद वह अपने बहू को देखती है, तो वह इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है जैसे कि अपनी बेटी को देखा हो, ऐसी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वह उसे कहती है कि बेटा आप यहीं पर रहने लग जाओ, वापस हमारे पास आ जाओ। तो सुप्रिया वह कहती है कि नहीं माँ जी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा है, मैं SDM बन चुकी हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो जब SDM का नाम सुनती है तो जयंत की माँ है वह इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है जैसे कि उसकी बेटी ही SDM बनी हो, इतनी ज़्यादा उसे खुशी होती है। वह कहती है कि बेटा बहुत ही अच्छा काम किया तूने और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम एक SDM के पद पर कार्यरत हो और एक SDM बनकर के आप नौकरी करोगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे तो, ऐसी बात कहती है और उसके सर पर हाथ रख करके उसे बड़ा ही आशीर्वाद देती है कि बेटा आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिले तो ज़रूर ये इस बारे में सोचना। तो वह कहती है कि माँ जी मैं बिल्कुल ऐसा सोचूंगी और जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होगी तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ऐसा कह करके वह जयंत से कहती है कि चलो मुझे ट्रेन में वापस छोड़ दो। वह ट्रेन जैसे ही दूसरी ट्रेन आती है, सुप्रिया उस ट्रेन में बैठ करके दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद उसकी ट्रेनिंग है जो 12 महीने की ट्रेनिंग थी, वह ट्रेनिंग पूरी कर करके वह अपने घर जाती है और घर जा करके अपने मम्मी पापा के पैर छूती है और पैर छू करके उसे आशीर्वाद लेती है। उसके बाद उसके मम्मी पापा थे वह बड़े ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जब बेटी SDM बन जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि जब एक घर की लक्ष्मी है वह एक SDM के पद पर कार्यरत हो और SDM बन जाए तो एक बाप के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है, एक पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तो वही खुशी सुप्रिया की मम्मी पापा को भी हुई थी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो सुप्रिया थे उसके मम्मी पापा थे वो उनसे सुप्रिया बात करती है कि पापा मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। तो सुप्रिया के पापा कहते हैं कि बेटा बोलिए क्या बात है। तो वह कहती है कि पापा मैं जब जॉइनिंग के लिए यानी कि मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई थी तो उस समय मेरी जो मुलाकात थी वह जयंत से हुई थी और जयंत है वह अब बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बन चुका है, मैं उसे ट्रेन में मिली थी इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जयंत है वह इतना ज़्यादा सुधर चुका है और वह एक रोजगार भी करने लग गया है, चाय पकौड़े की दुकान है वह खुद चलाने लग गया है जो उसके पापा चलाया करते थे। तो पापा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जयंत के साथ वापस से रहना चाहती हूँ, तो आपकी क्या राय है। तो जयंत के पापा जो
जयंत के ससुर थे यानी कि जो सुप्रिया के पापा थे, वह कहते हैं कि बेटा अब आप अगर उस घर में जाओगी तो आपकी बदनामी नहीं होगी क्या? आप इतने बड़े पद पर का मतलब एसडीएम बन चुकी हो और इतना बड़ा पद मिल चुका है और आप वापस उसी घर में जाओगी तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, आपका जो लेवल है वह गिर जाएगा। लेकिन सुप्रिया कहती है कि पापा इसमें कोई लेवल नहीं गिरता है, लोग मुझे यही कहेंगे कि इस जब इसका नेचर अच्छा नहीं था इसीलिए इसके इसके जो पति थे इसने तलाक दे दिया, इसे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे बेहूदा सवाल मेरे सामने खड़े होते हैं, तो ये सवाल तो नहीं खड़े होंगे ना, इसलिए पापा मैं उसी इंसान के साथ वापस रहना चाहती हूँ। तो वह कहती है कि उसके पापा कहते हैं कि चलो अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन करके जयंत को बुला लीजिए यहाँ पर। वह जयंत को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि पापा आपसे मिलना चाहते हैं। जयंत दूसरे ही दिन उसके घर चला जाता है और घर जाकर के सुप्रिया के पापा से बात करता है और सुप्रिया के पापा कहते हैं कि जयंत जो पीछे हुआ वो हो गया, जो बीता हुआ कल था उसे याद कर करके इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए, वो जो बीता हुआ कल था वो चला गया, उसे छोड़ दीजिए और उसे भूल जाइए, लेकिन अब आगे ऐसी गलती न हो, सुप्रिया के साथ आप खुश रहोगे क्या? तो वह जयंत कहता है कि पापा अगर ऐसी ही बात है तो पापा जी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं सुप्रिया को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूंगा और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी सुप्रिया के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, हम दोनों में प्यार बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जो शक था वह मैं शक के कारण हमारा रिश्ता है वह खो गया, यानी कि अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसी बात कह करके वह सुप्रिया को लेकर के अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी माँ से मिलाता है, तो सुप्रिया उसकी माँ से मिलती है और कहती है कि माँ जी अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चाय पकौड़े की दुकान है ये बंद कर दीजिए। और वह बंद करवा करके